महिलाओं की सुरक्षा अपने हाथ। इजी, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है ये टेक्निक। वेपन ऑफ अपॉर्चुनिटी बना सैंडल और हेयरपिन। सराउंडिंग से अवेयर रहे तो सुरक्षित है महिलाएं। एलिमेंट ऑफ एस्केप है सबसे इम्पोर्टेंट। कैसे बताएंगे इंडिया फर्स्ट 31st जनरेशन शाओलिन वॉरियर कनिष्क शर्मा। महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं। महिलाएं स्वावलंबी हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं। ऐसा क्यों है? हमारे समाज का एक नजरिया हो सकता है कि महिलाएं ज्यादा आजादी मिल गई है, लेकिन क्या ये आजादी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको एनहांस करती है या फिर उन्हें पीछे खींचती है? उनके मन का डर, उनके मन का वहम कि वो जहां जाएंगी कोई ना कोई असुरक्षा की भावना उनके साथ बनी रहेगी। इस डर से उबारने के लिए क्या हमने, आपने, हम सब ने कोई कारगर उपाय किए हैं? मेरे साथ है इंडिया फर्स्ट स्वालिन एक्सपर्ट, जो महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए, उनके सुरक्षा के लिए उन्हें खुद तैयार करते हैं। मिस्टर कनिष्क, आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को? महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, और अर्बन सिटीज़ में उसको मैं रेप सेफ प्रोग्राम भी कहता हूँ। सेल्फ डिफेंस जो आजकल आप देखेंगे, वुमेन सेल्फ डिफेंस जो शब्द है वो मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। पहली बात, जब भी आप किसी औरत या लड़की को या किसी भी लेडी को आप बोलते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस करना है, आप ऑलरेडी उस लेडी को विक्टिम बना देते हो कि कोई आएगा आपको मारेगा, आपको बचना है। तो पहला डर तो आपने उसी में डाल दिया कि आप कमज़ोर हैं। तो पहला तो मैं ये हटाता हूँ लड़कियों के दिमाग से कि कोई डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी वेरी असर्टिव इन लाइफ। इफ समबडी अटैक्स यू, यू ऑफेंस हिम एंड काउंटर ऑफेंस हिम। नो डिफेंस, ऑफेंस काउंटर ऑफेंस। डिफेंस करेंगे तो उनके अंदर हीन भावना आ सकती है, हीन डर की भावना, ये सब भावनाएं आने लगती हैं। तो इसलिए सिस्टम पहले मेंटल ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है कि जब हम कहते हैं कि लड़की किसी से कम नहीं है, हर पोस्ट में लड़कियां आ गए हैं, हर स्फीयर में लड़कियां आ गए हैं, फिर जब यहाँ बात आती है अपने आप को बचाने की तो वहाँ पे क्यों फेल कर जाते हैं? तो उस पर एक क्वेश्चन आता है कि लड़कियाँ फिजिकली टफ नहीं है, लड़कों की फिजिकलिटी मैच नहीं कर सकती। ये बात भी बिल्कुल सच है, लेकिन सच्चाई ये भी है दैट द पावर ऑफ सॉफ्ट इज मोर देन पावर ऑफ मोर। मतलब दो ईंट को आप लें और एक साथ मार दें तो दोनों ईंट टूट जाती हैं, लेकिन आप रुई को ईंट पे मारो और ईंट को रुई पे मारो, रुई को कभी कुछ नहीं होता। सो वुमेन आर लाइक कॉटन, दे आर सॉफ्ट बट दे डू नॉट नो हाउ टू एब्जॉर्ब द फोर्स। इसलिए औरतों को मैं ये सिखाता हूँ कि अपने दुश्मन की ताकत कैसे यूज़ करना है और उसको कैसे रिवर्ट बैक कर देना उस पर, यही उनकी जीत है। आपने औरतों की सॉफ्टनेस को एक नए नजरिए से पेश किया है, वही उनका वेपन है सबसे बड़ा। नए नजरिए से आपने पेश किया, आपने उसे वेपन बताया है। इसको अपने आप को बचाने में, आत्मनिर्भर बनने में कैसे यूज कर सकती हैं महिलाएं? ये जो ट्रेनिंग है ये एक्चुअली सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव, एक माँ, एक बहन, एक भाई, सबके है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्रेंड्स हैं, एक डिस्कशन हुआ और बीट अ गर्ल और अ बॉय, आपने उठा के मुझे थप्पड़ मार दिया, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? एक थप्पड़ भी मार दूंगा आपको। बिल्कुल। वही डिस्कशन हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, मैं आप पे चिल्ला रहा हूँ या आप मेरे पे चिल्ला रही, आपने आया मुझे हक किया है, मेरे को बोल दिया कि आई एम सॉरी, लेट्स कट इट ऑफ, डिस्कशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक बाप अपने बच्चे को डांटता है कि बच्चा खींच के चाटा मार दे तो बाप दो चाटा और मारेगा, अगर वही बच्चा जाके बाप को अगर हक करके पाँव छू के माफ़ी मांग लेता है तो डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। तो ये सॉफ्टनेस की पावर है। वाटर आप उसको कप में डालो, कप बन जाता है, प्लेट में डालो, प्लेट बन जाता है, लेकिन जब सुनामी आती है तो सब चीज़ तोड़ देती है। वुमेन का सॉफ्टनेस यही हथियार है कि फोर्स को कैसे वापस रिवर्ट बैक करना, सर्कुलर मोशन को समझना। एक औरत को लट्टू की तरह बनना पड़ेगा, आप लट्टू चलाओ और वो गोल गोल घूमता है, अब आप उस पर खींच के चौक मारो तो चौक उस पर लग के कहीं और जाती है। यही ट्रेनिंग मैं लड़कियों को देता हूँ, आप अपनी सॉफ्टनेस को अपना हथियार बनाओ, आपके नेल्स हैं वो आपका हथियार है, आपकी वेपन आपका हथियार है, आप जिस तरीके से मूव करते हो वो आपका हथियार है, आप में पावर नहीं है, यही सबसे बड़ी पावर है आपकी।
बिल्कुल। इसकी एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जो मैं उनको सिखाता हूँ, जिससे उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। मैं उनको बताता हूँ उनकी हेयर पिन, जैसे आपको बताया आपका कॉम, ये पेन ड्राइव, ये सब आपके वेपन्स हैं, मोबाइल फोन्स, ये सब मैगजीन गोल्स, हर चीज़ से आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी को, लोग लड़कियों को डर किस चीज़ का लगता है, लड़का हाथ पकड़ लेगा तो मैं छुड़ा नहीं पाऊंगी। आप एक ही भूल जाते हैं कि लड़कों के पास नाखून नहीं, लेकिन आपके पास नाखून है, वही नाखून आपने अगर उसकी आँख में मार दिया तो वो देख नहीं सकता। आँख में आपकी खुद के पलक का बाल चला जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए आपका नाखून आपने अगर उसकी आँख में मार देंगे तो क्या होगा। लेकिन लड़कियों को इतना संबल देना कि आप अपना हाथ उठा सकते हो, आप भी अटैक कर सकते हो, ये बड़ी बात है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें औरतों को बेसिकली सॉफ्ट सिर्फ फिजिकली नहीं बनाया जाता, मेंटली भी बनाया जाता है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज़ आजकल औरतें मतलब बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन वो इस हिसाब से कर रही हैं, लड़कियों को एजुकेशन में आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो स्टेटस के लिए कर रहे हो माँ बाप या जिस भी वजह से करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के जरिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक स्तर पर आकर लड़कियों को वही सॉफ्टनेस की डिमांड होने लगती है। एक्चुअली आप सही कह रही हैं, हमारे यहाँ हिपोक्रेसी बहुत है। एक्चुअली सोसाइटी में दो स्ट्रेटा बन गए, अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में, वो लड़कियाँ ज़्यादा दबंग है, तो उनको कोई छेड़ देता है सड़क पर तो खींच के थप्पड़ मार देती हैं, उनको कोई बोलते कि आप स्कर्ट नहीं पहनो तो बुरा मान जाती हैं। उसी का दूसरा रूपांतर है हमारे देश में, जहाँ पे औरतें आज भी घूंघट रख के बैठती हैं। तो हमारे देश में हिपोक्रेसी बहुत है, हम लोग कहते हैं कि तो लड़कियों के जब आप ट्रेनिंग देते हैं विमेन को, चाहे वो किसी भी उम्र की विमेन हो, माँ हो या कुछ कम उम्र की विमेन हो या कोई भी हो, तो उनके दिमाग से इस हिपोक्रेसी को कैसे निकालते हैं आपकी नई, आप भी अटैक कर सकते हो। हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान में धरती हमारी माता है, अब इसी धरती पे आप पान थूकते हैं, है? गंगा जल पवित्र है, यमुना पवित्र पानी है, उसी में लोग पेशाब करते हैं, उसी में लैट्रिन करते हैं, उसी में गंदगी फेंक देते हैं। हम लोग बोलते हैं भगवान को पूछते हैं और नेचर को काट देते हैं, यू नो, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंसान हैं और फिर भी दंगों में एक दूसरे को काटते हैं। तो ये इस देश में बड़ी हिपोक्रेसी है, भगवान का नाम लेते हैं बट भगवान के नाम पे मारते हैं। औरतों को बोलते हैं कि औरत को इज्जत दो, औरत माँ है, माँ से हम निकले, आधे से आधा लोग अपने से बड़ी उम्र की औरतों को रेप करते हैं, छोटे से बच्चों को रेप करते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा बीइंग अ गाय आई शुड से कि हम मेल वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ मेल होने के बाद, हम लोग तो जस्ट लाइक ग्रीडी मैन। वापस लौटते हैं कनिष्क आपकी ट्रेनिंग पे, किस तरह से मेंटली बिल्डअप करते हैं? पहले ये मैं लड़कियों को ये चीज़ बताता हूँ, जब मैं ये बताता हूँ और ये फैक्ट लड़कियों को बताता हूँ तभी उनके अंदर वो जागृति होती है। बिकॉज अगर आप रिकॉर्ड उठा के पढ़े, हर 45 सेकंड में एक लड़की का दिल्ली में रेप होता है, हर 40 सेकंड में हर लड़की दिल्ली में अब्डक्ट हो जाती है, ये आप नेट से फिगर उठा के पढ़ सकते हैं। जब मैं अभी रिसेंटली मैं सेमिनार लेने गया था हिसार में, तो मैं जब लड़कियों को सिखा रहा था तो कुछ लड़की मस्ती कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये सोचिए अभी आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो लेकिन इस वक्त एक लड़की का रेप हो रहा है, अभी भी आप मेरे से बात कर रही हैं लेकिन इस वक्त एक लड़की का रेप हो रहा है इस दिल्ली के किसी कोने में, हाउ डू यू फील? और कल को वो आपके साथ होगा, व्हाट डू यू वांट टू डू? डू यू वांट टू सर्वाइव और यू वांट टू गेट रेप्ड? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू द गर्ल। और ये सुनने के बाद मोस्टली गर्ल्स कम अप, नो सर, टीच अस, वी वांट टू लर्न, वी वांट टू सेव आवरसेल्व्स, बिकॉज यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता है। सड़क में दो आदमी एक आदमी को मारते हैं, पूरी पब्लिक देखती है चारों तरफ। मैं कड़वा बोल रहा हूँ, बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते इसलिए टीवी में, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि जिस महिला को हम इज्जत देते हैं, देवी मानते हैं, उसी महिला का रेप करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माते, बिल्कुल हमारी आत्मा ही नहीं जागती कि हम ऐसा नहीं करें। लेकिन आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप मुझे ये बताएं कि किस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब किस उम्र के लोगों को, किस उम्र की लड़कियों को, किस तरीके की लड़कियों को, किस तरह की लड़कियां आती हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं आपके पास? मैं सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ 6th क्लास की लड़कियों से ऑनवर्ड्स एवरीवेयर, छोटे छोटे शहरों में जाके, जैसे हिसार में मैं स्कूलों में सिखाता हूँ जाके, 300-400 लड़कियों को एक साथ सिखाता हूँ। वो खुद मुझे आके बोलती हैं, सर यहाँ पे हमारा चलना मुश्किल है हिसार में, रात को लोग पीने के बाद हमको छेड़ते हैं, कभी बॉटम पिंच कर देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हमें डर लगता है कि तीन लोग खड़े हैं हम क्या करें। तो पहला लेसन मेरा यही है, मैं लड़कियों को सिर्फ
फाइट करना नहीं सिखा था मैंने आपको, ये भी बताया सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित। अगर आपको लगता है कि आप तीन लोगों से नहीं लड़ सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे जाके झगड़ा कर लें। मान लीजिए एक आदमी ने मुझे गाली दी तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको गाली दूँ, ये मेरी एजुकेशन नहीं मुझे बोलती। मैं उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं उस सॉफ्ट और हार्ड की, मैंने जो आपको कहानी बताई कि उसने माँ बहन की गाली दी मैंने भी उसको दी, अब वो देगा मैं दूंगा फिर हाथापाई होगी। अगर आपको एज अ गर्ल लगता है कि नहीं आई कैन नॉट फाइट देन अवॉइड गो। ये दूसरी चीज़ लड़कियों में, तीन चीज़ मैं मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस जो है मैं आपको बताता हूँ सिखाता कैसे। मैं सबसे पहले लड़कियों को बोलता हूँ आप नेशनल ज्योग्राफी का डिस्कवरी चैनल देखो और उसमें देखो एक टाइगर जितने भी हिरण खड़े हैं उनमें से किन को चुनता है, तीन तरीके के हिरण को चुनता है। एक जो पूरे ग्रुप से दूर खड़ा है एकदम दूर, दूसरा हिरण जिसको पता नहीं है पानी पी रहा है उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि शेर उसके पीछे, तीसरा जो लंगड़ा रहा होता है। और यही तीन किस्म के लोग लड़का हो या लड़की सड़क में प्रे बन जाते हैं क्रिमिनल्स के। आमतौर से लड़कियों को मैंने देखा है दे विल बी टॉकिंग लाइक दिस, बहुत होता है नीचे देख रहे हैं ज़मीन पर बात कर रहे हैं सड़क में चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके लेफ्ट साइड राइट साइड पीछे कौन आ रहा है क्या कर रहा है। फोन पे सीधे देख के बात करिए, आप बी अवेयर, आपको लगता है कि कोई आपके पीछे आ रहा है आप साइड होकर सीधे चलिए, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। दूसरा, आप रात को सड़क 12 बजे आप आ रहे हैं डिस्को से, आपका घर एक गली के अंदर है और उसी का दूसरा रास्ता भी है मेन रोड से, ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्टकट लें। आपको लगता है कि दिस इज़ अनसेफ रूट, प्लीज़ डू नॉट टेक इट। आपको खुद अपने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बचपन से आपके मदर और हमारे मदर ने हमें बताया हमें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। सड़क पार करनी है तो राइट लेफ्ट देख के पार करिए, वो भी सेल्फ डिफेंस है, बस आपको मार के चली जाएगी। घर बंद करके सोइए, चोर अंदर घुसाएगा, दिस इज सेल्फ डिफेंस। और जो आप फियर की बात कर रही थी लड़कियों को, फियर इज व्हाट, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, दैट इज फियर। जो चीज़ होती ही नहीं है उसी से आपको डर लगता है। तो ट्रेनिंग करने से मैं लड़कियों को ये बताता हूँ कि इस फियर को आप कैसे एडवांटेज में यूज़ करते हैं, आपके बॉडी के कौन से पार्ट है। एक आदमी बॉडी बिल्डर अपनी मसल बना सकता है, रिस्ट बना सकता है, हाथ बना सकता है, पाँव बना सकता है, अपनी आँख तो कड़ी नहीं कर सकता, नाक कड़ी नहीं कर सकता, कान कड़ी नहीं कर सकता। एंड यू हिट द गाय वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, हिट हिम ऑन द ग्रॉइन, वेरी सिंपल फॉर गर्ल्स। यू डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट एनर्जी, डोंट वेस्ट मोशन, ईजी इफेक्टिव एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेविंग योरसेल्फ। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को आपकी ये बातें पसंद आएगी। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर कनिष्क शर्मा। मैंने तो सीख लिए अपनी सुरक्षा के उपाय, आप भी सीखिए और सेल्फ डिफेंस की चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखिए। रास्ते में आते जाते हुए और आस पास के लोगों से आपको डर बिल्कुल नहीं सताएगा। तो स्पेशल प्रोग्राम के इस एपिसोड में बस इतना ही। जैसा कि प्रोग्राम के दौरान शिफु कनिष्क ने बताया कि शाओलिन के सेल्फ डिफेंस टैक्टिक्स को वो महिलाओं, एग्जीक्यूटिव्स, पुलिस, मिलिट्री, एसपीजी कमांडोज और बॉलीवुड के स्टार्स को भी सिखाते हैं। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको इन सब की ट्रेनिंग के डिटेल्स बताऊंगी और उनके कुछ अंश भी दिखाऊंगी। आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। नमस्कार।